नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मध्य प्रदेश की जो मिट्टियाँ हैं, सॉयल हैं, उनके बारे में जानेंगे कि किस तरीके से मिट्टियाँ जो है मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, कौन कौन सी पाई जाती हैं। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में देखा था जो मध्य प्रदेश के पर्वत हैं, श्रृंखलाएँ, वो तो जिन लोगों ने नहीं देखा, यहाँ पे एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो पर्वत हैं और उसके बाद फिर आप मिट्टी पढ़ोगे तो वो पर्वत है ना, वो किस मिट्टी के बने हुए हैं, तो उससे आप रिलेट कर सकते हो और आप काफ़ी आसानी से आपको समझ में आएगी। तो मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कौन कौन से भाव में किस किस तरह की मिट्टी पाई जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे आपको पता ही है कि मिट्टी जो रहती है वो किससे मिलकर बनी रहती है। जो मिट्टी रहती है वो चट्टान हुए, जीवाश्म हुए, और इन सबसे जो है मिलकर इनका सबका मिश्रण करके नई मिट्टी का निर्माण होता है। मध्य प्रदेश में प्रमुख 5 तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो वो हम देखेंगे कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जैसे काली हुई और जलोढ़ हुई, लाल पीली, तो ये सब हम आगे देखेंगे। आगे हम बात करें तो डॉक्टर हम हेमंड बेनेट के अनुसार भूमि के तल पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत जो मूल चट्टानों तथा वनस्पति अंश के योग से निर्मित हुई है वह मिट्टी है। तो किसके अनुसार है ये व्याख्या दी गई है, डॉक्टर हम हेमंड्स बेटन के अनुसार। आगे बात करें तो मिट्टी की प्रकृति 2 प्रमुख होती है, एक रासायनिक होती है, भौतिक होती है। तो सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मिट्टी रहती है उसकी प्रकृति कितने तरह की होती है, तो वो रासायनिक और भौतिक। आगे हम देखें तो मध्य प्रदेश भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का वह भूभाग है जहाँ विस्तृत प्रदेश में अपशिष्ट मिट्टी पाई जाती है। यहाँ की मिट्टी की प्रकृति निर्धारण में यहाँ स्थित चट्टानों महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जो चट्टानें होती हैं एक तरीके से उनका भूमिका निभाती है, मिट्टी का निर्माण होता है। और आगे देखें तो मध्य प्रदेश की जो मिट्टियाँ हैं, जैसे काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जालोड़ मिट्टी, कछारी मिट्टी और मिश्रित मिट्टी, तो ये 5 तरह की जो है मिट्टी पाई जाती हैं। और इनके कुछ नाम और भी हैं, जैसे काली मिट्टी का जो है नाम क्या बोला जाता है, रेगड़ मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी भी बोला जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, वो हम देखेंगे। अब ये किस किस भागों में पाई जाती है, तो पहले हम मैप में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम मैप में बात करें तो इस वाले क्षेत्र की बात करें, यानी नॉर्थ साइड की, तो यहाँ पर जो है वो कालो जो जालौर और कछारी मिट्टी पाई जाती है। ओके, तो जो भी जो भिंड मुरैना, ये इस तरफ का एरिया है, भिंड मुरैना शिवपुरी ग्वालियर, तो आदि जिलों में जो है ना यहाँ पर जालौर और कछारी मिट्टी पाई जाती है। आगे बात करें तो इसके नीचे जो है ये वाला क्षेत्र, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये वाले क्षेत्र में जो है वो साधारण काली मिट्टी पाई जाती है। और जो गंगा का जो मैदान है, नर्मदा का जो मैदान है, तो यहाँ पर जो है वो गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। और इसके नीचे जो है वो ताप्ती का जो नीचे बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर पाई जाती है छिछली काली मिट्टी। तो आप देख सकते हो जो मध्य प्रदेश में है ना वो सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। देखो यहाँ पर साधारण काली मिट्टी, यहाँ पर गहरी काली मिट्टी और यहाँ पर छिछली काली मिट्टी। ओके, तो मोस्टली जो सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है मिट्टी वो काली पाई जाती है मध्य प्रदेश में। और इस तरफ का क्षेत्र की बात करें, ओके, इस तरफ का नॉर्थ ईस्ट की, तो यहाँ पर जो है मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, और ये वाला क्षेत्र है यहाँ पर जो है लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ओके, आगे देखें तो हम सबसे पहले बात करेंगे काली मिट्टी की। काली मिट्टी को रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं और रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। रेगड़ और रेगुड़, ये आप याद रखना, दोनों ही आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, उपनाम काली मिट्टी का क्या है। और यह मिट्टी बेसाल्ट लावा के उपचय के कारण निर्मित होती है। तो जो लावा ज्वालामुखी फूटता है उसका लावा निकलता है और उससे जो जम जाता है ना, तो उसी से जो है वो काली मिट्टी का निर्माण होता है, और इसे रेगड़ मिट्टी भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश के जो है वो 47% ये भाग में है। और इसका पीएच मान आपको याद रखना है, पीएच मान कितना है, 7.5 से लेकर नहीं 8.5 तक। तो ये किस तरह की मिट्टी है एक तरीके से, तो यह मिट्टी एक तरीके से कैसी बात की जाए, तो 7.5 से लेकर नहीं 8.5 है इसका पीएच, तो यानी ये कौन सी है, बेसिक है यानी क्षारीय है।
और एसिड रहती है, जो एसिड अम्लीय रहती है वो 7 से कम रहती है। आपको पता हो पीएच स्केल का जो मान रहता है वो 7 जो रहता है वो न्यूट्रल रहता है, और इससे अगर इस तरफ चले जाओ तो ये बेसिक रहती है यानी क्षारीय रहती है, और इस तरफ चले जाओ तो एसिड रहती है यानी अम्लीय रहती है। तो एक तरीके से ये क्षारीय मिट्टी है। और भारत में रेगुर मिट्टी यानी काली मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और ये कपास की खेती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो काली जो मिट्टी रहती है वो उसमें जो जल धारण क्षमता है वो सर्वाधिक होती है। जल धारण क्षमता ज़्यादा रहेगी तो उसमें नमी भी ज़्यादा रहेगी, और नमी काफ़ी टाइम तक रहती है, तो इसीलिए जो कपास की खेती है वो इसके लिए काली मिट्टी में अच्छे से होती है। स्वतः कृष्ण कृष्ण मिट्टी भी कहा जाता है रेगुर मिट्टी को। तो ये भी आप याद रखना, कृष्ण मिट्टी, कृष्ण मतलब काली। आगे बात करें तो ये क्षारीय प्रकृति की होती है जैसे कि मैंने बताया है, और इसमें मुख्य रूप से लोहा और चूना पाया जाता है, और इसका निर्माण ज्वालामुखी से निकले लावा के जमने से होता है, और ये मालवा के पठार, नर्मदा, सोन घाटी, सतपुड़ा, मैकाल श्रेणी में पाई जाती है। तो ये हमने सब देखा था। जो मालवा का क्षेत्र, एक बात करें एमपी की बात करें तो मैं एक डायग्राम बनाऊं इस तरीके से, तो ये मालवा का ये होता है, ये सतपुड़ा, मैकाल, ये सब जो है ना इस तरफ काली मिट्टी पाई जाती है। ये तीन तरह की होती है, गहरी काली, साधारण काली और छिछली काली। तो हमने देखा था, तो जो सबसे ऊपर जो है वो साधारण काली है मध्य प्रदेश के, और बीच में जो नर्मदा का मैदान है वहाँ पर जो है वो गहरी काली पाई जाती है, और उसके नीचे जो है वो छिछली काली पाई जाती है। गहरी काली का मतलब अगर बात करें तो जो नर्मदा सोन घाटी है वहाँ पर जो मालवा का क्षेत्र हुआ, सतपुड़ा का क्षेत्र हुआ, तो ये जो है ना काली मिट्टी पाई जाती है, और इसका परसेंटेज कितना है? 3.5 है। और साधारण की बात करें तो साधारण जो है लो मालवा का जो पठार है वो वहाँ पर मुख्य रूप से पाई जाती है यानी ऊपर की साइड, और इसका जो 37% ये है सबसे ज़्यादा। और छिछली की बात करें तो ये सतपुड़ा, मैकाल सड़ी, नीचे छिंदवाड़ा हुआ, सिवनी हुआ, तो यहाँ पर जो है ना वो छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। आगे हम बात करें तो लाल और पीली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी जो है वो कहाँ पर पाई जाती है? ये जो है ना बघेलखंड में पाई जाती है, पूर्वी भाग अर्थात बघेलखंड में। ओके, लाल पीली मिट्टी यानी इस तरफ का जो मैदान है मध्य प्रदेश का ये वाला क्षेत्र, तो यहाँ पर जो है ना वो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, और इसका पीएच मान जो है वो 5.5 से लेकर नहीं 8.5 तक है, यानी ये अम्लीय भी हो सकती है और क्षारीय भी हो सकती है, दोनों मिक्स मिट्टी है लाल और पीली मिट्टी, और इसका जो परसेंटेज है वो 37% है ये। और ये लाल रंग जो होता है वो लोहे के कारण, जब ऑक्सीकरण हो जाता है लोहे का तो लाल रंग हो जाता है, अगर पीले की बात करें तो जो फेरिक ऑक्साइड होता है उसका अपघटन होने के कारण उसका पीला रंग हो जाता है। तो लाल रंग किसके कारण? ऑक्सीकरण, लोहे के ऑक्सीकरण के कारण, और जो पीला रंग होता है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण हो जाता है। लाल रंग की मिट्टी को लेटराइट मिट्टी भी कहते हैं। ओके, तो इनके जो उपनाम हैं वो आपको याद रखना है, जैसे काली मिट्टी को रेगुर रेगड़ मिट्टी कहते हैं, तो इसी से जो क्वेश्चन है डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, लाल मिट्टी को क्या बोलते हैं? लेटराइट मिट्टी कहते हैं। और आगे बात करें तो गोंडवाना सिल समूह से ये निर्मित है, और फेरिक ऑक्साइड के जल अपघटन से पीला रंग हो जाता है, तो ये मैं बता चुका हूँ आपको। ये चावल की खेती के लिए उपयुक्त है, तो लाल पीली मिट्टी होती है तो चावल के लिए काफ़ी उपयुक्त है ये मिट्टी। आगे हम देखें तो जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी इसको नाम याद रखना, ये 3% जो है ना मध्य प्रदेश में पाई जाती है, और ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। ओके, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी अगर पूछा जाए प्रश्न में कि सीधी सर्वाधिक उपजाऊ कौन सी मिट्टी होती है, तो वो होती है जलोढ़ मिट्टी, इसे दोमट मिट्टी भी कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया कि व्यापम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो जलोढ़ या दोमट मिट्टी होती है वो किसका मिश्रण होती है, तो ये जो है ना जो बालू हुए, चिकनी मिट्टी हुई, तो उसका मिश्रण होती है। सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि दोमट मिट्टी किसका मिश्रण होती है, व्यापम के ही किसी एग्जाम में पूछा गया था। तो आपको याद रखना है, अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो सैंड, स्लेट और क्ले, तो इन सब का जो मिश्रण होती है वो दोमट मिट्टी होती है। आगे बात करें तो ये जो है ना ये मिट्टी कहाँ से आती है? जो नदियाँ रहती हैं
तो जो नदियाँ का पानी बहाकर अपने साथ जो मिट्टी लाती है और वो जम जाती है किनारों पर, तो वो ही एक तरीके से वो कछार होता है, तो बाहर कर लाई हुई, तो ये ही जो है दोमट मिट्टी होती है और जलोढ़ मिट्टी होती है। मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भागों में जो है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यानी ये वाला क्षेत्र है, मैं बात करूँ तो ये वाला क्षेत्र है। ओके, तो यहाँ पर जलोढ़ तथा कछारी मिट्टी पाई जाती है। तो आपको पता होगा कि जो ये भिंड मुरैना साइट है, यहाँ से चंबल निकलती है, ओके, बेतवा हुई, सिंध हुई, इस तरीके से। तो ये जो है ना, यहाँ पर जलोढ़ और कछारी मिट्टी लाती हैं ये बहाकर। आगे देखें तो मध्य प्रदेश ये जलोढ़ मिट्टी बालू, सिल्क और मृत्तिका से मिलकर बनी होती है। किससे? बालू, सिल्क और मृत्तिका। तो ये हिंदी में आप याद रखना। और ये गन्ना, गेहूँ, कपास के लिए उपयुक्त होती है जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी। आगे मिट्टी देखें तो अगली जो मिट्टी है कछारी मिट्टी, ये भी हमने दे जो है ना, ये जो है नॉर्थ साइड पाई जाती है। और ये बाढ़ के द्वारा नदियों, जब बाढ़ आती है, देखो नदियों द्वारा जो बहाई जाती है वो होती है कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। आप देख सकते हो जो नदियों द्वारा बहाकर लाई हुई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। लेकिन जो कछार मिट्टी होती है, तो बाढ़ के द्वारा, जो बाढ़ का पानी जब बाढ़ आता है तो वो बहाकर लाए हुए जो क्षेत्र में बिछाई गई मिट्टी को हम कछारी मिट्टी कहते हैं। ये भिंड, मुरैना, शिवपुर, ग्वालियर आदि जिलों में पाई जाती है। और इसमें गेहूं, गन्ना, कपास, इसमें भी वही सेम टू सेम यहाँ पर जो है वही पाया जाता है। आगे हम देखें तो मिश्रित मिट्टी, मिश्रित मिट्टी की बात करें तो ये जो है वो भिंड प्रदेश, मध्य प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में लाल, पीली, काली मिट्टी जो मिश्रित रहती है वही होती है। तो मिश्रित मिट्टी हमने कहाँ देखा था? मिश्रित मिट्टी जो थी, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ डायग्राम में ही, ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जो है मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। ये टीकमगढ़ हुआ, इस साइड रीवा, सतना, तो इस तरफ जो है ना वो ये मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। ये कम उपजाऊ होती है और इसमें जो है मोटा अनाज हुआ, ज्वार, मक्का, तो जो मोटे अनाज होते हैं जैसे ज्वार हुआ, मक्का हुआ आदि उत्पादित होते हैं मिश्रित मिट्टी में। और एक चीज़ और है जो मृदा अपरदन होता है। मृदा अपरदन तो जो ये क्यों होता है? तो नदियों द्वारा ऐसे तेज़ी से पानी बहाकर लाया हुआ है तो वो ज़मीनों को, जो ज़मीन जो मिट्टी रहती है उसको काट देती है एक तरीके से, तो उसे बोलते हैं मृदा अपरदन। और इस मिट्टी का जो अपक्षरण होता है तो उसे रेंगती हुई मिट्टी भी बोलते हैं। आपने देखा होगा कि ऐसे ये कोई जगह है, ग्राउंड है, तो यहाँ पर जो है ना इस तरीके से जो कट जाती है ज़मीन, तो ये जो है ना वो एक तरीके से मृदा अपरदन का ही होता है उदाहरण। और इसे जो है वो रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है, मिट्टी का अपक्षरण यानी रेंगती हुई मिट्टी। ये सबसे ज़्यादा जो मध्य प्रदेश में किसके द्वारा? चंबल नदी के द्वारा होता है। तो चंबल नदी जो है ना, जो एक तरीके से गलियों का निर्माण करती है काफ़ी, और जैसे कि बात की जब मुरैना हुआ, भिंड हुआ, तो उस तरफ जो है ना चंबल नदी बहती है, तो वहाँ पर जो है ना जो बाघी होते हैं, डाकू होते हैं, तो वहाँ पर ये इतने बड़े बड़े गड्ढे का निर्माण करती है, तो वहाँ पर उनका रहने का स्थान बनाती है। तो चंबल नदी द्वारा जो है वो सबसे ज़्यादा होता है मध्य प्रदेश में। और मृदा अपरदन जल के अलावा वायु द्वारा भी होता है, तो ये भी याद रखना, जल के द्वारा ही नहीं वायु के द्वारा भी होता है मृदा अपरदन। तो ये थी, हमने देखे थे मध्य प्रदेश की प्रमुख मिट्टी। इससे आपको छोटा सा चैप्टर है और आसानी से आपको याद हो जाएगा। इसमें आप एक से दो क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि दोमट मिट्टी किसका मिश्रण होती है, तो ये व्यापम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो लोग हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस तरह का रेड बटन दिया होगा, एक बेल आइकन मन किया कि उस पर भी क्लिक कर लें, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको एक नोटिफिकेशन मिले और आप इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तब तक के लिए थैंक यू, और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हमें भी अपने काम करने में अच्छा लगता है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।